हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज हम कर रहे हैं अपनी गाय मशीन की सर्विस, कटर की, उसकी गंडासे वगैरह बदल रहे हैं। ये तुक्की है, पीछे हमारा कैमरामैन अभिनव तोमर, उसकी गंडासे बदलेंगे। आज हमारी गाय की सुनवाई हो चुकी है। आ गया तनिष ऊपर। तनिष ये देखना बोल्ट का, इसका नंबर क्या है, चाबी लगा दे। 16 है या 14 है? 15 है शायद। ये हमारे तनिष भाई हमें ना सिखा रहे हैं गंडासे बदलना। इसके गंडासे अभी वो स्टार्ट करेंगे ना मशीन, अब जा वो आ गया सीजन गाय का, तो ये चलेगी। तनिष भाई क्या हाल चाल आपके? बढ़िया जी, बढ़िया। क्या कर रहे हो? गंडासे बदलना है। गंडासे कितने गंडासे लगाओ इसमें? इसमें 2 गंडासों वाला है। 2 गंडासे? अच्छा, और 3 वाला भी आप? अच्छा, तो ये गंडासे रहेंगे, तो इसमें 3 बोर्ड लगे, तो ये 2 ही चले हैं। एक बोर्ड अच्छे पुराने हैं नए? अच्छा, ये तो बहुत चल जाते होंगे। तनिष भाई आप तो बहुत लंबे हो। तनिष भाई छू ले कुछ भी चीज। देखो तनिष भाई दीवार छू, तनिष भाई ऊपर को दीवार छू, ये छू दे। आपको हमने लाइट के लिए जुगाड़ करवाया है। अच्छा, यहाँ इसमें ऊपर है कंट्री करवा कर ऊंची लाइट हो जाएगी, जिससे रोशनी जाएगी। यहाँ पे LED लगेगी। LED बहुत अच्छा है। ये यहाँ पर आयो, एक स्प्रिंग चेंज कराया है हमने इसका, एक स्प्रिंग नहीं था इसमें, सही की था पहले जब लाए थे। हाँ, यू गियर सिस्टम भी ठीक कराया, दिक्कत थोड़ा बहुत इसमें ग्रीस व्रीस वर्क कराया। अच्छा अच्छा, ग्रीस कराया इसमें, एक उसमें ऑयल डाल दिया, बंदी का होया पड़ा था वो पिक्चर में। क्या कह रहे थे भैया ने? फिर बोल्ट गिर दिया क्या? आई बोल्ट पड़ रहा है। आज इलेक्शन का दिन है। अच्छा, सही है। तो आ गए हैं सर इसकी काम को। ये निशान से जो हो कटे कटे ऐसे इसी तरह के लगो इसमें कटर से। हां, जिससे गेहूं का दाना ना कटे। अच्छा, मैं तो 2 गड़ासों वाला कटर बहुत अच्छा चलता है। 2 गड़ासों वाला कटर बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, इसमें जो लोड कम आता है ट्रैक्टर में, तो उठा ये उसकी बोल, इसके बोल्ट ना होगा गिर उठाया था क्या? ये लगा दो इससे, मैं ये नया बोल्ट मंगाया था इसके। फिलहाल दूसरा मैंने बोल्ट कितने क्विंटल निकाल देंगे ये? ये मैं ये रहे कुल कितने हमारे? नए गंडासे निकाल रहे हैं। पुराने हमने ये चंडवाए हैं, उसको मैं ऐसे दांत से निकाल रहा हूं। ओहो, इतने टुकड़े सही टाइम बना लेते मेरे। ये 2 गंडासे 2 जोड़ी हैं अभी नए भी तो लाए, दिक्कत नहीं कर भैया। नए सग्गू के गंडासे हैं? सग्गू की कंपनी होगी, मतलब एक तरीके से। सक्कू में बढ़िया आते हैं, उसमें स्टील की मात्रा ज्यादा रहती है। क्या? सक्कू के गंडे से बढ़िया रहते हैं, स्टील की मात्रा ज्यादा रहती है उसमें। तो उससे क्या लाभ होता है भैया? हल्के रहते हैं वो, घिसते कम, अच्छा टूटते कम है गर्म होके। अच्छा, टूट भी जानी है, टूट गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, खतरा है उसका, तो टूटने का तो खतरा है। मशीन में टूट फूट जाएगी अगर गड़ा से टूट गया तो। ये लीवर जो है ये क्या है? लीवर इससे क्या हो? इसमें जो इस पे चलाओ के 41 चलाएंगे, सही चलेगा इसको तो, बढ़िया चलेगा। पुली अभी देखते हैं आगे।
गाइस आगे पूरी देख करते हैं कौन कौन सी लग रही है इस पर। 10-12 की पूरी। कौन कौन सी कहाँ है? नीचे 12 है, नीचे 12 हो गई, ऊपर 10। ऊपर 10 हो गई। अच्छा, पहले इसमें 9 12 की थी, वो महेंद्र के साथ की थी, अब मैसी के साथ। चक्करों के बारे में पुलकित भैया बताएंगे। पुलकित भैया कितने चक्कर पर चलने के लिए हो? ये इस टाइम 1600 रुपए पूछ रहे थी, 241 पे। 1617 आरपीएम? नहीं, 1600 आरपीएम बढ़िया इसके। अच्छा, तो 16 की रेस पे बढ़िया चलेगी। पहले जो थे, पहले जो भी 9-12 की पर 14 की रेस पे चलती है। अच्छा, ट्रैक्टर थोड़ा जब दबने के चांस ज्यादा रहते हैं ट्रैक्टर के। अच्छा, वो तो अभी जब जिस दिन गाई होगी उस दिन दिखाएंगे गाइस आपको। ये भी फिलहाल सर्विसिंग चल रही थी थोड़ी सी, ये दिखा दिया आपको। ट्रैक्टर भी दिखाता हूँ आपको, ये अपना 241 है। चलो जी गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, गाय के साथ मिलेंगे, गाय होते हुए दिखाएंगे।